अच्छा जी, सिरिंज में जो भरने का तरीक़ेकार होता है, सिरिंज में हमारे पास तकरीबन आप 100 यूनिट्स तक इंसुलिन भर सकते हैं, 0 के बाद से 10, 10 के बाद से 20, 30। सिरिंज में जो हम एक लकीर को देख रहे होते हैं, वो एक लकीर हमारे पास 2 यूनिट के बराबर होती है। तो जो हम इसमें इंसुलिन भरते हैं, किस तरीके से भरते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है सिरिंज की, जो हमारे पास बिल्कुल टॉप पे एक लाइन है, हमने उसको काउंट नहीं करना होता। उसके बाद से जो हम लाइन्स काउंट करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक लकीर हम काउंट करते हैं 2 यूनिट के बराबर। तो इसी तरीके से हम 2, 4, 6, 8 और फिर ये हमारे पास 10 की लाइन आ जाती है। 10 के बाद वाली नकीर 12, 14, एक नकीर मतलब आपने 2 यूनिट के उससे आपने काउंट करना है। तो जब हमारे पास जितने भी आपके डॉक्टर ने आपको यूनिट्स बोलते हैं, 10 यूनिट्स बोलते हैं, 12 यूनिट्स बोलते हैं, आप फर्ज करें किसी डॉक्टर ने आपको 12 यूनिट्स बोला, तो आपने इसको 10 के बाद एक लकीर और ले लेनी है, तो ये आपके पास 12 यूनिट्स हो जाते हैं।